पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी कार हल्द्वानी से काशीपुर जाते वक्त डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में हरीश रावत बाल बाल बच गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी से काशीपुर आ रहे थे। रात 12 बजे के आसपास उनकी फॉर्चूनर कार बाजपुर में हरियाणा मिष्ठान भंडार के पास लोडर को ओवरटेक करने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में हरीश रावत सुरक्षित रहे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने उन्हें घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद हरीश रावत को काशीपुर के बीआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके सभी टेस्ट किए गए। कोई बड़ी चोट ना होने के कारण रात 3 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर में कांग्रेसी एकत्रित हुए और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जाना। ड्राइवर की शारीरिक क्षमता का ध्यान नहीं रख पाया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन था, मगर फिर भी भगवान की कृपा सहयोगी युवाओं के मामले छोड़ने के साथ आप देख रहे हैं दखल न्यूज।